हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है डोमेन नेम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेब होस्टिंग क्या होती है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन नेम होता क्या है। सिंपल भाषा में डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है जो लोग इंटरनेट पर यूज़ करते हैं आपकी साइट को एक्सेस करने के लिए। जैसे हम घर ढूंढने के लिए एड्रेस यूज़ करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए डोमेन नेम यूज होता है। एक डोमेन नेम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है सेकेंड लेवल डोमेन, जो कि आपके ब्रांड या बिजनेस का नाम होता है। सेकेंड पार्ट होता है टॉप लेवल डोमेन, जैसे .com, .org, .net और भी बहुत सारे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी वेबसाइट का नाम है mywebsite.com, तो माय वेबसाइट होगा सेकेंड लेवल डोमेन और .com होगा टॉप लेवल डोमेन। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन्स यानी TLDs के बारे में। टॉप लेवल डोमेन चार तरह के होते हैं, जेनरिक TLD, कंट्री कोड TLD, स्पॉन्सर्ड TLD और न्यू GTLD। जेनरिक TLDs जैसे .com, .org, .net, .info, इनका यूज़ कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है, बल्कि ये जनरल यूज़ के लिए होते हैं। कंट्री कोड TLDs ये स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए होते हैं, जैसे .in इंडिया के लिए, .us यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए। इनका यूज़ रीजनल टारगेटिंग के लिए किया जाता है। स्पॉन्सर्ड TLDs ये स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे .gov गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और .mil मिलिट्री यूज़ के लिए। न्यू जेनरिक TLDs, इंटरनेट में एडवांसमेंट के साथ नए TLDs भी आए हैं, जैसे .blog, .tech, .shop, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे चूज करें एक परफेक्ट डोमेन नेम। पहली बात, ये यूनिक होना चाहिए और ये इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ट्राई करो कि आपका डोमेन नेम शॉर्ट और सिंपल हो और अवॉइड करो कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स और हाइफंस का इस्तेमाल। जैसे आपका बिजनेस बेकरी से रिलेटेड है तो आप deliciouscakes.com जैसे डोमेन चूज कर सकते हैं। वो बात अलग है कि ज़रूरी नहीं आप जो डोमेन नेम ढूंढ रहे हैं वो हमेशा अवेलेबल रहे। आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी मिलेंगे लेकिन अलग TLDs के साथ। डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए आपको एक डोमेन रजिस्ट्रार के थ्रू जाना पड़ेगा। पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार्स है GoDaddy, Namecheap और Google Domains। आपको सिर्फ अपना डिजायर्ड डोमेन नेम सर्च करना है और अगर अवेलेबल हो तो उसे रजिस्टर करना है बाय पेइंग अ ईयरली फी। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट डोमेन नेम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।